उत्तर प्रदेश मैनपुरी और खंगोली विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत के बाद गिरिडीह जिला के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने सिहोडे स्थित आवास में गुरुवार को खुशियां मनाई। यहां पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी गई। मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस विधानसभा पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें स्वर्गीय मुलायम यादव की बहू डिंपल यादव बतौर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी थी, जिन्होंने प्रचंड जीत कर समाजवादी पार्टी के जीत की सिलसिला बरकरार रखी। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में ही विकास हो सकती है। उसी उद्देश्य से एक बार फिर मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक की बहू को अपना कीमती वोट डालकर विजय बनाए। शुभकामना देने वालों में मुकेश यादव, रोहित यादव, सतीश कुमार समेत कई लोग शामिल थे। आज समाजवादी पार्टी का यूपी चुनाव में जो उपचुनाव हुआ उसमें थी मैनपुरी चुनाव खास था, पूरा देश की नज़र थी और उसमें हमारी डिंपल भाभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्नी धर्मपत्नी ने जो शानदार जीत की है उसके लिए उनको और उनके चाचा शिपाल यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी मैनपुरी की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाला दिन इसके लिए सबक है, जो आने वाला दिन में भी जिनका नाम मुलायम है उनका जलवा कायम है नारे के साथ भी मैनपुरी में आने वाला दिन और पूरा देश में ये संदेश है, ये तो झांकी अगली बाकी बाकी है।